P24 sponsored by Kochbihar Mission Hospital Private Limited, NH31 Chokchoka, Kochbihar. कुचबिहार में निर्धारित समय सीमा के बाद दुकान खोलने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिनाटा के पूर्व विधायक उदन गोह के हमले पर एवं विभिन्न इलाकों में तोड़फोड़ और लूटपाट के विरोध में दिनाटा महकुमा शासक को अर्जी दी गई। बालूरघाट शहर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की एवं उनका अभिनंदन किया। सिलीगुड़ी नगर पालिका द्वारा कोरोना संक्रमित शव के अंतिम संस्कार के लिए शाहू डांगी शमशान घाट पर दबाव कम करने के लिए नई शमशान भूमि चिन्हित की गई। एटीएम सुरक्षा गार्ड द्वारा 3 महीने के बाकी वेतन के भुगतान के लिए आंदोलन किया गया। फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर इलाके में सुबह 3 जंगली हाथियों द्वारा हमला। तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा माथाभांगा के कई जगहों को सैनिटाइजेशन किया गया। जलपाईगुड़ी में तेजी से फैल रही है कोरोना संक्रमण, ऐसी स्थिति में भी लोगों में लापरवाही दिख रही है। सोमवार को जलपाईगुड़ी हाईवे ट्रैफिक पुलिस द्वारा गौशाला मोड़ इलाके में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। बांग्लादेश राजधानी ढाका के लाल माटी इलाके के निवासी आसमा अख्तर कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा में समर्पित थी। बारोबिसा भयानक सड़क दुर्घटना में हुई ट्रक चालक की मौत। यह घटना सोमवार को सुबह बारोबिसा सेल ट्रैक्स संलग्न इलाके में घटी। कोलकाता से असम की तरफ आ रही एक ट्रक ने सड़क किनारे दूसरे ट्रक को पीछे से धक्का मारा, जिसमें ट्रक पलटने के कारण हुई ट्रक चालक की मौत। कुचबिहार शहर में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित स्थिति पैदा हुई। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीन लेने के लिए इच्छुक लोगों को नहीं मिल रही है वैक्सीन की डोज। गाजुल ब्लॉक के बाबूपुर अंचल झरसा बेल ग्राम में विद्युत तार की चपेट में आने से व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में नई सरकार की मंत्रियों द्वारा सोमवार को शपथ ग्रहण किया गया। ममता बनर्जी की नई मंत्रिसभा में कुल 43 लोग होंगे, जिनमें से 16 नए चेहरे हैं। मानिक चौक में मास्क न पहनने पर पुलिस ने लोगों को किया गिरफ्तार। दक्षिण दिनाजपुर जिले में 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बैठाए जाएंगे। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में जल्द ही शुरू होने जा रही आरटीपीसीआर लैब। लोगों के सामने आया पुराने मालदा के वीडियो के साथ पंचायत समिति के अध्यक्ष का टकराव।